दोस्तों आपका स्वागत है प्रिया ट्रैवल लाइट्स में। पर्यटकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है बाबा बुदनगिरी हिल्स। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की बुदनगिरी हिल्स के बारे में आइए जानते हैं इस वीडियो में। चिकमंगलूर दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने कॉफी के बागान और उसके उत्पादन के लिए पूरे विश्व में माना जाता है। भारत में कॉफी के पौधे उगाने की शुरुआत चिकमंगलूर से ही हुई थी, जिसका श्रेय बाबा बुदन को जाता है, जो कॉफी के बीज अरब देश यमन से लेकर भारत आए थे। यहाँ की पहाड़ियाँ कॉफी के बागानों से भरी हैं, जो पर्यटकों को आनंदित और रोमांचित करने का काम करती हैं। चिकमंगलूर एक आदर्श विकल्प है अगर आप प्रकृति के करीब जाकर कुछ फुर्सत के पल बिताना चाहें तो। यहाँ घूमने फिरने के लिए कई शानदार जगहें मौजूद हैं, जिन्हें आप यात्रा के दौरान देख सकते हैं। यहाँ आप कुदरती सौंदर्य का आनंद उठा सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर पारिवारिक भ्रमण के लिए या फिर अपने दोस्तों के साथ अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आ सकते हैं। चिकमंगलूर के प्राकृतिक खजाने में बुदनगिरी हिल्स भी एक है। आइए बताते हैं बुदनगिरी हिल्स के बारे में आपको। बाबा बुदनगिरी चिकमंगलूर स्थित एक खूबसूरत पहाड़ है, जो पश्चिमी घाट में बसा हुआ है। इस पहाड़ी का नाम एक सूफी संत बाबा बुदन के नाम पर रखा गया था, जो अरब से भारत इस्लाम का संदेश लेकर आए थे। माना जाता है कि वो अपने साथ यमन के मोचा बंदरगाह से कॉफी के बीज लेकर आए और इसके बाद भारत में कॉफी का उत्पादन शुरू हुआ। यहाँ सूफी संत हजरत दादा हयात खालंदर की दरगाह भी है, जिसके दर्शन के लिए मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं का भी आगमन होता है। ये पहाड़ी दत्तात्रेय पीठ के नाम से भी जानी जाती है। माना जाता है कि यहाँ एक गुफा में संत दत्तात्रेय ने अपने जीवन के कुछ समय बिताए थे। यहाँ दत्ता जयंती भी मनाई जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं का आगमन होता है। ये पहाड़ी स्थल प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों में महत्व रखता है। बाबा बुदनगिरी समुद्र तल से लगभग 1895 मीटर की ऊंचाई पर है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए दूर से ही आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों यहाँ आने का सही समय है सर्दियों के मौसम में। अगर आप अपने आनंद और रोमांच को दुगना करना चाहते हैं तो यहाँ का प्लान आप अक्टूबर से मार्च के बीच में बना सकते हैं। इस दौरान यहाँ पर मौसम काफी खुशनुमा रहता है। आप हिल स्टेशन और आसपास के स्थलों का भ्रमण कर पाएंगे और सर्दियों के दौरान यहाँ की खूबसूरती देखने योग्य रहती है। बाबा बुदनगिरी हिल्स के अलावा आप यहाँ पर कुछ और जगहों पर भी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ की प्राचीन गुफाएं, सीतला, गड़ा तीर्थ, गलीकेरे झील। यहाँ जाकर आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को लूट सकते हैं, जो कि पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। और दोस्तों अगर आप एडवेंचर का शौक रखते हैं तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग और हाइकिंग का रोमांच भी उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ के अद्भुत पहाड़ी दृश्यों को अपने कैमरे में उतार सकते हैं। एक शानदार सफर के लिए आप यहाँ का प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आने के लिए आप परिवहन के तीनों साधनों से पहुँच सकते हैं। यहाँ का सबसे पास हवाई अड्डा है मैंगलोर एयरपोर्ट, जहाँ से आप कैब या टैक्सी के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग के लिए आप चिकमंगलूर रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी चिकमंगलूर से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जुड़े रहिए प्रिया ट्रैवल लाइट्स के साथ।